ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ जो सा गुरु से सामने बितकरा करते हैं फिर सारे ना कुटा मारा भी होंगे सू डेर तो वक्रा भी किया जाता पर कई अदरवाइज गुरु की नफरत ही साढ़े चेलों प्रति इन होंगी कि सू देखना भी पसंद नहीं करते दे। देखो तुम हम गल की कुटमार की जाती है इतों तक भी खबर में यह भी देखा जाता कि कई थान किन्नर एक दो किन्नर का कतल भी किया जाता एरिए लैके तो पैसे लैके खासकर क्योंकि मेरे गुरु जो माणो महंत जी अर्बन स्टेट तो बिलोंग करते जिन्हों का पिंड चाचो की है ठीक है उन्होंने मेरी तकरार चलती रहती है उन्होंने मैंने कहीं एक्सैप्ट ही नहीं किया कि मेरी चेला है जब उन्होंने पैसा धेला लिया के दिंदी सी टोन टाके लैंदी सी उस टाइम उन्हों की नोटा वाली मशीन सी साढ़े फगवाड़े के कई महंत है जिहड़े कि वो मेरे माणो महंत गुरु के नाल रले हुए है क्योंकि इन्होंने मैं 1.5 लाख रुपए से बेच भी दिता सी माणो महंत जी ने जिम्मेवार एक केंद्र ही केंद्र का मर्डर करवाते एक इलाके की रंजिश करके जी सा कम्यूनिटी सब तो ज्यादा गंदी कम्यूनिटी मैं कह रही हूँ नमस्कार सां टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है मैं एसके बैंस जिस तरह दोस्तों तुम जानते हो कि परमात्मा वालों आम लोगों नालों वख एक होर इदां दे लोग बनाए गए हैं जिहड़े आम लोगों की खुशी में जाके उन्हां दी खुशी नूं होर चौगुणा दुगुणा करते हैं सो उन्हां दी खुशी में रल के उन्हां नूं दुआवां दिंदे ने ते इह भी मन्निया जांदा है कि जदों तक वह साडे वेड़े विच आ के ये नच गा के ना जाण तो उदों तक जिहड़ा साडा जां खुशी है साडी उहनूं एक कह सकदे हां कि एक भदी नज़र लगी हुंदी है सो वह इदां दे लोग ने जिन्हां नूं आपां पूजदे भी हां ते उन्हां दा पूरा मान सत्कार भी करदे हां सो मेरी गल तो तुसीं समझ ही गए होंगे कि मैं गलबात करन जा रहा हां किन्नर बारे सो अज किन्नर समाज विचों साडे विच पहुंचे ने लता शेरगिल महंत जी सो उन्हां नाल गलबात करांगे किन्नरां नूं जिहड़ी आ रही प्रॉब्लम बारे जां उन्हां दी जीवनी बारे ते इत्थों तक भी जिहड़ी इन्हां दे इलाकियां नूं लैके एक दूजे नाल जिहड़ी बहस फसाई आ जां लागडाट जिहड़ी चलदी उहदे बारे भी गलबात करांगे पहलां तां बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा लता जी हाँ जी मैं पहलां तुहाडा भी स्वागत करदी हां सां टीवी वालिआं दा जिन्हां नूं चैलेंज देण दा मौका दित्ता मेरे वल्लों सारिआं नूं जय हिंद जय भीम जय भारत देखो मेरा पहला सवाल तुहानूं इही है क्योंकि जदों इक किन्नर दा जन्म हुंदा परिवार विच उस समय यही देखा जाता कि जो परिवार आह सकते हैं एक भारा दुख टुट जाता उन्होंने कि साढ़े घर किन्नर ने जन्म लिया सो तुम अपनी फैमिली वालों जिस समय तुम अपना परिवार छड़िया जब थोड़ा जो याद हो थोड़ी फैमिली का रिएक्ट किदा का पहला जो उन्होंने पता लगा कि तुम किन्नर हो देखो जी जो सा बचपन होंगे सू बचपन बिचन तो उस तरह ही पालिया जाता जिदा आम बच्चों पालिया जाता पर जो सा जो जिमें जिमें अं बड़े आने साड़िया हरकत उस तरह की हो जाए फिर सानू अपने साढ़े घर का भी जोड़ा रवैया साढ़े जो प्रति आ बखरा हो जाता तो फिर सानू जो किन्नर समाज देखता तो फिर उन्हों की नज़र ची आ जाए तो फिर सानू एक्सैप्ट कर लेंगे अपने डेर चले जाते देखो एक बच्चे का कोई भी नॉर्मली आप बच्चा तुम्हें किया कि जिस समय भी आप बालक अवस्था में होंगे उस समय थानू जो परिवार है वह बच्चे वांगू पालता एक बच्चे का अपने माँ बाप तो वाक होना बहुत वीड्डी गल आ एक माँ बाप का अपने बच्चे दूर करना वह भी बहुत वीड्डी गल आ एक किदा की सिचुएशन होंगी तो किदा इन हैंडल किया जाता है देखो जी जो साडा उन्होंने प्यार ही नहीं रहिंदा सानू फिर उस फैमिली भी सानू नफरत ही मिलती है सानू जिहड़ी साडी अपनी फैमिली हुंदी ना परिवारक फैमिली जिहड़ी जिथों जन सानू जन्म दिता हुंदा उन्हां विच वी तुहाडा बच्चा ऐदां करदा तुहाडे बच्चे का चाल चलन ऐदां दा तुहाडे बच्चे की ढंग तरीके वधिया नहीं है फिर वह भी सानू उस तरह नफरत कर लैंदे फिर साडा भी वतीरा उन्हां दा भरे प्रति नफरत भरे नफरत भरिया हो जाता तो फिर सानू वह भी साडे नाल वतीरा उन्हां दा इस तरह दा हो जाता फिर सानू अपना घर छड्डण लई सानू अपने आप नूं भी मजबूर होना पैंदा देखो फिर जिदा तुसीं गल कीती कि अपने परिवार तो तुसीं जो टुटदे हो तो बाद डेरिया विच जाके जिदा बया रहिंदे हो तो डेरिया विच क्योंकि हजारां की गिणती जां सैकड़ियां की गिणती विच किन्नर आउंदे ने जां बच्चे आउंदे ने उहदे विचों एक जिदा अपने तुहाडे घर रिवायत चली हुंदी है कि ये डेरे का लीडर आ
इस एरिया एरिए बारे थोड़े ज्यादा वंडिया जाता है वो बारे थोड़ी जी नॉलेज दो कि जोड़ा एरिया वंडिया जाता है कि जो डेर की जो प्रमुखी की चोन की जाती है। देखो जी जो सू किसी डेरे का मुखिया लैके जाता वो सू पहला अपने बच्चों वाग रखता सू लाड़ प्यार करता सू बकायदा शगन विहार किए जाते साढ़े नाल फिर जो सा कोई किसी गलते जो अड़िया मंगा वध जाएँ कि असी आ लैना जी वह लैना फिर उस मंगा न करके साढ़े ना वो भी उस जो सा परिवार बितकरा होंगे सही बितकरा फिर साढ़े ना इन्हें साढ़े गुरु सिंह घर लग जाते हैं जो साढ़े गुरु सिंह साढ़े बितकरा करते हैं फिर साढ़े ना कुटा मारा भी होंगे सानू डेर तो वक्रा भी किया जाता फिर सानू वक् कर देंगे सानू होर जगह सप्लाई कर देंगे अदरवाइज जो गुरु के नाल फिर वक्रा होना चाहता चेला होना चाहता अदरवाइज साड़ी यूनिट होंगी साड़ी कम्यूनिटी होंगी आ महानता की साड़ी केंद्र की साढ़े वो डिवाइड करते इलाका सानू इस तरह किया जाता कि सानू गुरु ही वंड के दे दिंदा इलाका पर कई अदरवाइज गुरु की नफरत ही साढ़े चेलों प्रति इन होंगी कि सानू देखना भी पसंद नहीं करते। देखो तुम हम गल की कुटमार की जाती है इतों तक भी खबरों में यह भी देखा जाता कि कई थान किन्नर एक दो किन्नर का कतल भी किया जाता एरिए लैके तो पैसे लैके खासकर ये देखो तुम हम गल की कई बार जी कुटमार की जाती है कि थानू कोई इदा का जिस एरिए हम जिथे थोड़ा जोड़ा एरिया थानू दिता गया आ उसके उत्ते कोई थोड़ी किसी ने टकरारबाजी चलती हो थानू किसी के विरोध का सामना करना पाया हो कोई इदा की गल है थोड़े नाल मेरे ने इस तरह के बहुत तरह के 2009 तो लैके इस तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं हो भी रहे तो हो भी चुके हैं क्योंकि मेरे गुरु जो माणो महंत जी अर्बन स्टेट तो बिलोंग करते जिन्हों का पिंड चाचो की है मैं उन्होंने चेलां जो कि अर्बन स्टेट 82/83 क्वार्टर रेंदे वो मेरे गुरु जी है ठीक है उन्होंने मेरी तकरार चलती रही है उन्होंने मैंने कदम एक्सैप्ट ही नहीं किया कि यह मेरी चेला है पर जो मैं उन्होंने जो मैं उन्होंने काम से जाती सी बधाइया लैके आती सी जो उन्होंने पैसा धेला लिया के दें चोन टाके लेंदी उस टाइम उन्होंने नोटा वाली मशीन सी पर जो मैं उन्होंने वक् होना चाहिए जो उन्होंने मैंने डेरे तो अलग कर दिता तो उस टाइम उन्होंने नोटा वाली मशीन जंग लग गया तो हम जिस तरह की गल की वक् रेंगे हो जी हम थोड़ा जो बखरेवा आ दोहां का एक वह भी फगवाड़े एरिया थोड़ा क्योंकि फगवाड़ा ही पैदा तुम भुला रहे एरिए तो आए हो सो थानू जिहड़ा एक टकरा आदा का तो नहीं सहना पै रहा कि थोड़े जे गुरु आते उत्ते उस एरिए लैके भी थोड़े उत्ते दबाव पा रहे हो जो छड़न लिए कब्जा करने के कोई इदा का टकरा तो नहीं थोड़ा है उन्होंने इस तरह की जी मेरे न बहुत तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं मेरे ना मर्डर दियां रिकॉर्डिंग भी है मेरे को साढ़े फगवाड़े के कई महंत आ जोड़े कि वो मेरे माणो महंत गुरु के नाल रले हुए हैं जोड़े कि सपोर्ट करते हैं मैं अपनी जिदा साड़ी कम्यूनिटी है जिन्हें मैं बरादरी से जाती सी जिदा साड़े फंक्शन अंदर रोटियां चटाइया जिन्हें च मैं बहुत अटेंड कर जाती होंगी सी तो जो मैं उन्होंने जाती मैं उन्होंने भी अपनी दाल फरियाद दी तो रखी तो उन्होंने भी मेरी कोई दाल फरियाद नहीं सुनी तो जो मैं इन्होंने गल कर दी क्योंकि इन्होंने मैं 1.5 लाख रुपए च बेच भी दिता सी माणो महंत जी ने अच्छा हाँ जी ओ कहते मेरे कुछ लगते नहीं है मेरी चेला नहीं इतों की बसनीक नहीं मेरे को जो कि मेरे को 2004 तो लैके हुण तक के सारे मेरे को राशन कार्ड वोट कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड जिन्हें भी एनीथिंग जिन्हें भी प्रूफ है मेरे मेरे को सारे जो मौजूद प्रूफ है वो माणो महंत गुरु के नाम ही है। देखो तुम बेचण की गल की जिदा एक आप कह दें चीज बेची थी उस हिसाब से बेचा जाता ये थोड़ी कोई जिदा डॉकूमेंट या कागज वगैरह भी तैयार होंगे फिर वैसे ही एक हाथ पैसे लेके एक हाथ जिदा अगे तोड़ दिता जाता नहीं जी सारी कम्यूनिटी के रूल है साड़ी जी कम्यूनिटी के रूल है ये हम जो साड़ी जी कैटेगरी है इन्होंने जो हम रूल इन्होंने जो हम करता हम रूल बनाता इन्होंने कहना हम कहना जी माइयो तू सनंद हो ताड़ी मारो सारिया माइयों सनंद हो तो 5 मिनट बाद कह दें जी फो 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 इन्हों का कोई कानून नहीं इन्हों का कोई रूल नहीं तो जानी कोई लिखत पढ़त नहीं कोई लेना देना नहीं है सर तो सर बस पैसे ले लिया तो थोड़ा अगे तोड़ दिता हाँ जी बस इदा की साढ़े रूल है इदा का कोई कुछ नहीं साढ़े लिखित पढ़त कुछ नहीं होंगी इदा की तो जिस तरह तुम पहला इंटरव्यू तो पहला गलबात आप की दसिया उत्ते जानलेवा हमले भी वगैरह इन्होंने वालों किए गए तो वो बारे की कहना चाहते हो मेरे तो जानलेवा हमले हुए जी मेरे तो जानलेवा हमले भी हुए पिंड मुन्या भी 24 दिसंबर पिछले 19 भी मेरे तो हमला होया कि मैं जो मैं बधाई वाले घर नच रही थी तो उस टाइम भी जो सरपंच साहब से उस पिंड के नाल उन्होंने घर बधाई सी तो उन्होंने घर जाके ही मेरे ते हमला किया उस टाइम 112 नंबर से कंप्लेट की तो उस टाइम उत्थे पुलिस आई तो पुलिस तो आने तो बावजूद चले गए उतो क्योंकि उन्होंने पिंड के आले दुआले बंदे बिठा रखे सी बंदे बिठाने के बावजूद फिर पिंड की जिहड़ी सरपंच सी लेडीज उतों के सरपंच कश्मीर कौर उन्होंने 112 नंबर से फोन करके पुलिस बुलाई फिर उन्होंने पुलिस के थ्रू मैंने उस जगह तो कढ़िया तो जेकर मैं गल करा सीधे तौर पर तुम जो हमलों का जिम्मेवार कि मानते हो जो थोड़े हुए मेरे जी ने हमलों के जिम्मेवार मेरे गुरु करवा रहे हैं
जिते हम तुम आम देखते हैं कि जो किन्नर समाज के जो चेले लाती होंगे जो कुछ भी होंगे है ना उन्होंने बच्चे जो उन्होंने बखरा बखरा जो तुम आम देखते हैं पब्लिक दे अज फलाने था किन्नर का मर्डर हो गया फलाने था एक किन्नर ही किन्नर का मर्डर करवा दे एक इलाके की रंजिश करके देखो तुम गल की एक दूए जिदा जानी कतल कतल तक गल् पहुँच चुकी हैं थोड़े एरिए लैके जिदा तुम अपने गुरु के एडे वे संगीन आरोप लगाए आ ये लैके इस मसले में लैके थोड़ी कोई कानूनी लड़ाई भी जा जारी इन्होंने या फिर नहीं हाँ जी मेरी कानूनी लड़ाई इन्होंने जारी है मेरे हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस चल रहा क्योंकि मैं इतने पुलिस कंप्लेटा भी बहुत कीतियाँ मेरी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की 112 नंबर पर भी मैं कॉल कीतियाँ 112 कंट्रोल रूम से भी फोन करने के बावजूद मेरी पुलिस प्रशासन ने कोई मेरी सुनवाई नहीं की मेरे घर भी हमले हुए मेरे को वीडियो भी पईं हमले हो जाएगी सारा कुछ वो देखने के बावजूद भी मेरा कोई पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं दिता ये मेन जे एक आप मेन कारण लभीए इस हमलों का जानी एक हो गए एरिए लैके सब तो ज़्यादा जो मेन तुम यही मानते हो सिर्फ तो सिर्फ एक एरिए लैके जो हमले हो रहे हैं क्योंकि देखो थोड़ा वो गुरु से उन्होंने को इन्ना चेर रहे भी वो फिर भी एड्डी वीड्डी जी एक रंजिश खड़ी हो गई यदा मेन जानी कारण यही है जब होर कोई कारण भी यदा है देखो जी रंजिश सब तो वीडी ना की गल है जे किसी का नाम बन जाता ये लोग जे किसी की इमेज इमेज न खराब करते हैं क्योंकि जिदा कि हम एक समाज सेवक हाँ जिदा मैं जिदा किसी को ब्लड की जरूरत होंगी है कि मैं उस जो ब्लड यूनिट ना डॉक्टर अंबेडकर सेना के नाल जुड़ी हुई हाँ उस यूनिट कम्यूनिटी के नाल तो उत्थे जे कोई किसी खून की लोड़ जरूरत होंगी तो मैं खून दान कर भी चाहनी हाँ मैं हॉस्पिटल किसी को पैसे की जरूरत होंगी है मैं उत्थे भी हेल्प कर ली जानी हाँ बस इन्हां रंजिशा इन्हां गल्लां बातां करके मेरे नाल रंजिश है कि तक तू ये काम क्यों कर दी है समाज सेवका दे भी तैनू देख के फिर सानू भी लोग क्वेश्चन कर दे कि तुस जे तुहाडा चेला कर रहे तुसी क्यों नहीं कर रहे जिहड़ी ये रंजिश तुहाडी चलती है इहदे विच जिद्दां तुसी दस्सिया कि एक तुहाडी कम्यूनिटी बनी है पूरी दी पूरी तुसी कोई एक जिद्दां हुंदा नहीं कि एक सुप्रीम कोर्ट है एक हाई कोर्ट है उत्ते सुप्रीम कोर्ट हो गई इस तरह के तुहाडे कोल अदारे बने आ जिहदे विच तुसी जाके अपनी जां समस्या अपनी रख सकदे आ उहदा हाल जिहड़ी तुहाडी कम्यूनिटी है उही कढ के रखदे पए मूहरे मैं तुहानूं पहलां वी कह दस चुकी हां जी जिहड़ी साडी कम्यूनिटी है कम्यूनिटी ज्यादा जिहड़ी साडी कम्यूनिटी सब तो ज्यादा गंदी कम्यूनिटी मैं कह रही हां सब तो ज्यादा गंदी कम्यूनिटी कह रही हां गंदी इस करके आ कि इन्होंने सच नूं सच नहीं कहना झूठ नूं सच कहणगे तो सच नूं झूठ कहणगे यही साडी कम्यूनिटी मैं तुहानूं पहलां वी दस्सिया ना कि हुण इह 5 मिंट च कहणगे कि इस कानून बारे सानद होवे माइयां नूं ताड़ी मार के कहणगियां कि सानद होवे कि इह कानून लागू हो गया उसे मिनट बाद कर लाँगे ये सानूं कानून मंजूर नहीं फो 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 दो मिनट होर भी इन्हां दी लैंग्वेज मैं बोल सकदी हां जानी तुहाडा कहण दा भाव है वी जिहड़े तुहाडे एरिया वगैरह बंदे बंडे जांदे उह सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਪਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ 2004 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ
मैं फिर दरबार से चली गई, फिर मैं दूसरे घर गई, उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर उन्होंने मेरे से इल्जाम लाने शुरू करते जी लता इदा जी लता उदा जी। फिर मैं 2009 च फिर जिन्होंने मैं कहा भी मेरा जो बाप तो जो मेरे बाप ही तुम हो तो मैं कि तो हिस्सा मंगूंगी। फिर मैं जो जिते जेडे पिंड जाती सी उन्होंने पिंड के सरपंचा के नाल ही अग्री हो के उन्होंने पिंड के सरपंचा ने मैनू मोहरा ला के पिंडा चोन की परमिशन दे दी साढ़े पिंड च लता महंती आऊगी। लता महंत तो बिना किसी होर बधाई नहीं देवे। एरिए किन्ने पिंड होंगे जो ऑलमोस्ट गिनती की जाए 15-20 या किन्ने के एरिया जो एरिया दिता जाता है तो किन्ने पिंड होंगे मेरे साढ़े एरिए दे विच तां इस हिसाब कई शहर भी मंगते हैं कई पिंड भी मंगते हैं पर जिदा जिदा वह देना चाहते गुरु के भी सारे चेलों शहर भी देते सारा कुछ देंगे आ जोड़े गुरु साई आ जोड़े गुरु चेलियां प्यार करते कई इदा के भी चेले तो गुरु है जिन्हें आपस में प्यार इन्ना क्या एक दूसरे बिना रोटी भी नहीं खाते पानी भी नहीं पीते पर जो सा गुरु सानू देख के जींदा नहीं। देखो तुम अपने गुरु ये तो नहीं है क्योंकि हांसी आने का पक्ष नहीं हले जाने जदा तो नहीं कि थोड़े वालों कोई इधर कोताही वरती गई हो जो गुरु गुरु ने जो इदा बहर कट दिता जोड़े वालों कोई कोताही इधर वरती गई हो नहीं जी मेरे वालों कोई कोताही नहीं मैं गुरु जो मैं बरादरी से जाती रही साड़ी बरादरी तो भी पूछा जा सकता मैं साड़ी बरादरी से जाती सब तो पहला चरण मैं जो साड़े फंक्शन होता सब तो पहला चरण मैं अपने गुरु का कर दी उस तो बाद मैं अपना लैण देना कर दी जो मैं गुरु ना ऐदा की होंगी रंजिश तो मैं गुरु का हक क्यों पूर दी जाके बरादरी चलो जिस तरह तुम्हें दसिया कि जोड़ा मैटरियल जो गुरु के जिले में जी लड़ाई चल रही है एरिए लैके या किसी भी जो मतलब चल रहा हमले भी हुए आदि दसिया कि थोड़ा एक सरकारी तौर पर जो कानूनी लड़ाई भी थोड़ी जा रही है। सो जो हम मैं अगला सवाल तो पूछा कि एक थोड़ी जी कम्यूनिटी की गल हम आप करते हैं क्योंकि थोड़ा आपसी हो गया जो रंजी चलती थी हूँ थोड़ी कम्यूनिटी की गल करते हैं आप पहला तो सवाल मेरा यही है कि देखो हूँ इस समय इदा दिन वारदातें काफ़ी सामने आदि कि जिदे नकली तो असली का थोड़ा एक काफ़ी ये जानी एक रौन रप्पा रहा क्योंकि नौजवान भी कई इदा के मुंडे है जिहड़े अपने आप नूं एक जैक अपने ढंग अपना के जां कपड़े जिहड़े उदा दे पा के वह किन्नर बरादरी अपने आप नूं बना के तो लोगों को बधाई वगैरह ज पैसे मंगते उहदे विच काफ़ी इदा दी वीडियो आ तो उन्होंने कटापा भी किया गया थोड़े समाज वालों ये की रौला है जिहड़ा ये दोहां दे। देखो जी खुसरे तीन तरह के असली नकली तो फसली खुसरे तीन तरह के जेडे असली है वह रब का नाम लैन वाले है रब दुनिया जिदा के साडे मंता वालों बनाए जाते हैं फिर उन्होंने व्यापार किया जाता है कई साढ़े इदा के पैसे के लालच में देख के जिन्हें दे चार चार पाँच पाँच बच्चे होंगे वह खुसरे बन जाते हैं वह सब तो ज्यादा चौधर वो दिखाते हैं जानी कई साढ़े मंता के इदा के भी शौक है कि जिदा सब तो समार्ट मुंडिया रखना बाद असी सुख मंगनी हर एक दी असी हर एक दी सुख मंगनी है तो बाद जो नाल रेंदे आ उन्होंने उन्होंने फिर ऐश परस्ती की आदत पै जाती बाई बाई साढ़े महान तो उन्होंने भी बिना संबंधी करा दी चंगे भंडे मुंडे की जे तो तुम ये गल की कि जिदा भी थानू अगे तो अगर बेचा जाता जा तीन तरह के जानी थोड़ा कहने का भाव है जिदा आम लोगों में लड़कियां की एक तस्करी की जाती है उन्होंने बेचा अगे तो अगर बेचा जाए थोड़े जानी समाज में भी यही बड़ा काम चलता कि अगर अगर थोड़ा बेचा जाता। देखो जी साढ़े काम में पहल दी जाती है जो असं काम वधिया करते हैं साढ़े नाच गाने तो ला लो जिहड़े मालक नूं असीं भा जांदे उह साडा मुल उतार दे दिंदा साडा मुल दे दिंदा उह साडा गुरु बन जांदा सानूं अगे दे अगे वेचिया जांदा। उस दे बावजूद जो असीं काम कार करते हैं साढ़े विच जेंट्स भी डेरे चला रहे हैं जिहड़े कि मुंडे आ उह महंत तां नहीं ना तो वाइव साढ़े जो लेडीज वो भी डेरे चला रही वो भी साड़ी जी कैटागरी उन्होंने उन्होंने महानता दी ही डेरे चला रहे इन्होंने खिलाफ तुम कोई जिदा कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते कि एक कहने का भाव भी आप उन्होंने टेस्ट वगैरह करा के जो पता लगाया जा सकता कि किन्नर है या फिर नहीं है इधर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते जे कानून के अगे जी असं प्रशासन के अगे इतनी मंग रखते हैं जो कहते जी आज दिता टाइम कल दिता टाइम पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता जे कोई इदा की गलबात करता तो किन्नर का खत्म ही कर दिता जाता जे कोई सच की आवाज बोलता तो सच में दबा दिता जाता उन्होंने खत्म कर दिता जाता। देखो तुम गल की कि लोगों विचरते हो लोगों थानू एक भाता परमात्मा का दर्जा दिता जाता थोड़ा मत्था भी टेकया जाता है तो घर गया आओ भगत भी की जाती है जे नॉर्मली थोड़े हिसाब से मैं पूछा तो थोड़ा लोगों का आम जिंदगी थोड़े प्रति उनका रवैया की है वो बारे तुम कहना चाहते हो। देखो जी जो किसी के घर खुशी होंगी है असी उन्होंने घर सज धज के अपने आप में बहन पचर के जो भी सारा असी उस घर में जाने असी खुशी मनाने की खातर जाने खुशी असी मनाने कि सानू खुशियां दे देवता मनिया गया कि खुसरे खुशियां दे देवता कि साड़ी जे सानू कोई नहीं चाहता जा कदे सानू बद दुआई किसी ने दे नहीं सकते जो रब ने सानू
सुख की खातर पैदा किया सौखी मंगनी असं सौखी मंगा। देखो मैं तुम इतने रोकदा थोड़ी बद बारी तुम गल की है, मैं बहुत इदा के हालात लोगों ने भी बहुत देखे, साढ़े दर्शकों ने भी बहुत देखे होने जिदे थोड़े ही लोग एक बदवादी जिदा एक डरावा दे के भी मैं थोड़ा बदवा दे देनी आ जा जब तक देखो अपने कपड़े लीड़े ला के उदा प्रदर्शन करना शुरू करते हैं जे उन्होंने बधाई दत्ती जा भी जिनी मंगते हैं। सो यू किस हिसाब से लेंगे हो तुम? देखो जी ये अगले के घर का घर की जिम्मेवारी ना, जे किसी हम थोड़ी पॉकट किसी पॉकट के किन्ने पैसे आ तुम किसी किन्ने देने तो थोड़े तो इंडिपेंडेंट है, जे मैं कह भी तुम सारी पॉकट खाली कर दो ये तो फिर मेरी बेवकूफी है ना। यानी तुम गलत समझे जो लोग हाँ जे हाँ जो इन्हों भी जो कपड़े लाते इन्हों धारा लागू होनी चाहिए है, पर जिस टाइम एक टाइम तो खुशी मना जाते पर जिस टाइम यह शुरुआत करते उस घर जाके उस टाइम यह मां माई की भेट गाते हैं गाते हैं ना, जो भेट गाते हैं ही एक महीने का सुख मनाते हैं दूसरे महीने वो ये सारा कुछ अपनी भाषा से सारा कुछ ही उन्होंने गंद मंद सब बोल जाते हैं जिद कह दें आओ माई जी भलातम जागो माई जी बिले न पखो माई जी तो चीसे न रखो माई जी वो जिदा कि भला मना जिन्हें तो सू वी बधाई देती वो सुख मनाने बाकी साढ़े को भव ना हो जाए यदा मतलब यह है। देखो हम पिंड ज्यादातर तुम देखे होना कि एक थोड़ी जी बधाई पिंड के बहर जो आप एंटर करते हैं उत्थे भी बोर्ड वगैरह लगे होंगे कि जेकर इतने किन्नर आते हैं उन्होंने बधाई नहीं दी जाएगी। सो कई थाना मैं इधर देखा कि वह विरोध भी किया जा रहा है किन्नर समाज वालों, तुम कि जो थोड़े पिंड एरिया जो परसनली मैं पूछा जिना पिंड जाते हो कि जो पिंड वालों या पिंड सरपंच पंचायत वालों जोड़े थोड़े लिए बधाई रखी गई है उतो संतुष्ट हो जा फिर थोड़ा इधर कोई विरोध करना पैदा कि नहीं इन्ने चाहिए ज इन्ने सही नहीं है? नहीं जी मैं किसी का कोई विरोध नहीं करती। देखो जिदा मैंने पांच सरपंच कहते मैं पांचों सरपंचों के ही थ्रू चलती हाँ इस करके तो पांचों सरपंचों ने मैं लिख के दिता मैनू कोई बधाई दिता मैं ता भी खुश हाँ नहीं दिता कोई मैं ता भी खुश हाँ मैं किसी कोई रंजिश नहीं मैं कोई किसी लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं मैं किसी के कोई कपड़े नहीं खोलती मैं किसी ने कोई बुरा भला नहीं कहती मैं कोई बधाई दिता वह भी भला जो नहीं दिता वह भी भला। हुण आपां सरकारां दी गल करदे हां क्योंकि सरकारां वल्लों आम लोगों तो लैके हर एक लई सुविधावां भी दित्तियां जांदियां आ इदां दे कई विकास या कार्ज भी कीते जांदे आ जां उहनां नूं लैके इदां दे सहायता दित्ती जांदी आ कि आम लोगों का जिहड़ा जीवन आ उह वधिया चल सके। की तुहाडे समाज नूं सरकार वल्लों कोई मदद वगैरह कोई इदां दी कोई योजना वगैरह कोई दित्ती गई है जिहदे नाल जिहड़ा तुसीं कह सकदे कि सानूं सरकार भी साडे बारे सोच रही है? देखो जी पहला जो हम सुप्रीम कोर्ट ने ला किया है वह 377 ही किया कि हर एक ने जीन हर एक अपने ढंग तरीके जीन का जीन की आजादी है, पर साढ़े जोड़े महंत है वो एक दूसरे को नहीं जी इदा नहीं देखते जीन देंगे तो आम पब्लिक देख लो हम जाते कते आम जाके जो नकल ड्रामे करते उन्होंने देख सड़कों के खड़े देख ले उन्होंने आम ने भी कुटते मारते क्यों जो हर एक जीन का अधिकार है। बाकी जे तुम सरकार की गल करते हैं सरकार वालों सानू कोई इदा की कोई सुख सहूलत नहीं हैगी जो सू जे फिर सू क्यों सुख सहूलत नहीं वोट असी पाने इनकम टैक्स असी दें सवेर तो लै लो पानी पीने तो लैके शाम तक असं टैक्स ही टैक्स दें तो फिर सू फैसिलिटी तो कोई मिलती नहीं। थानू नहीं लगता कि जिस तरह बाकी कम्यूनिटिया वालों या किसी भी जथेबंदियों वालों अपने हकों लैके आवाज़ उठाई जाती है थोड़े क्यों नहीं एक जिदा एक कम्यूनिटी इकट्ठी होकर इन्होंने सरकार की या माड़िया नीतियाँ या थोड़े जी वधीकी हो रही है वो खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जा रही? देखो जी साड़ी कम्यूनिटी तो एक ही नहीं है कोई मेरा मूँह जे मेरा मूँह इधर नूँ तो दूसरे का दूसरी तरफ नूँ साड़ी कम्यूनिटी का एक कम्यूनिटी भी गैंगबाजी हैं साड़ी कम्यूनिटी भी खुसरिया के गैंग बने हुए हैं ये अपने अपने गैंग के मुताबिक चलते हैं जे कोई सच की आवाज उठाता तो उन्होंने ये मरवा भी देंगे वो हमले भी करवा देंगे वो बहुत कुछ गलत वतीरे किए जाते हैं साढ़े खुसरिया के गेंगा वालों। थानू लगता कि अगे जाके जो हम जो सिस्टम जो चल रहा है जो भी एरिए वाइज लैके हो गए जो थोड़ी कम्यूनिटी वालों वंडे जाते हैं थानू लगता कि शायद ये सरकार कानून ये इदा कोई बनाना चाहिए है जिद एक कानूनी तौर पर अपने जोड़े हक आनी कम्यूनिटी जो हक आरिया है वो तुम बन सकते हो? देखो जी सरक जे सरकार वालों एरिया बंट के दिता जाए फिर तो साड़ी इदा रौले ना पैना साड़ी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सरकार सानू वंड के दे तो साढ़े जिदा जोर है जिसकी लाठी जिदा कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस जिदा जोर चल जाता वो लाका सानू साडे ने इदा कोई वतीरा ही नहीं हुंदा साडे ना प्यार दे भाषण तो कोई सानू समझांदा ही नहीं ना कोई साडा समाज समझांदा ना कोई साडा समाज सानू प्यार ही करदा साडे तो बस पैसे की होंद है ज
जानी एक भादा कह सकते हैं कि थोड़े जो गुरुआ की भी गल की जाए तो थोड़ा एक सर सर जिदा तो पहला गल की कि एक पैसे कमाने की जी मशीन समझा जाता तो जो पैसा थोड़ा आने लग जाता थोड़ा शायद जो तुम गल की कि एक दुध में जिदा मक्खी कट के बाहर सट जाता उदा सट दिता जाता है। देखो जी साढ़े भी ज जिन्ना चर खुसरा जवान है किन्नर जवान है उन्ना चर वो हुसन का वो अदा का मुल पैंता जो उम्र बढ़ती जाती है उन्होंने कह देंगे मैं फारसी च बोल दी उन्होंने कहते हैं कि खाबड़ी का हो गया इनू ये कमाई का कोई साधन नहीं। एक मैं थोड़े साढ़े सुंदरता से ही मुल है जी एक सुंदरता की गल की तुम जे किन्नर आना जे कई बार देखे नकलों की गल की ड्रामे अजकल जो पंजाब खासकर चलते हैं काफ़ी अगे जिदा देखा जाता कि जो मुंडे कुड़ियां बन के वो डांस वगैरह करते थे पर हम फिर भी थोड़ी कम्यूनिटी वाले भी काफ़ी इन्हों कामों वाल हुए थोड़े समाज में यह काम करने की आजादी है ज नहीं? नहीं जी साडे समाज के आजादी नहीं है पर जेड़े लोग जेड़े ये काम करते हैं नकल ड्रामे करते साडे ही लोग इन्हों चेले करके अपने धी पुत बना के डेरे च लिया है उन्होंने कामाकारा ले आते हैं कामाकारा ले जाने के बाद बावजूद उन्होंने अपरेड करवा देंगे अपरेड करवा के उन्होंने खुसरे बना दिता जाता है खुसरे बना तो बाद जिन्ना चर उन्होंने नहवदी नहवदी उन्होंने नहवदी है नहवदी उसको अगे बेच दिता जाता साढ़े जेड़े जी सारी कम्यूनिटी है उन्होंने एक बिजनेस बन चुका है। देखो मैं मेन की गल की जिदा जे रियर किन्नर आ उन्होंने मैं गल की कि थोड़े जिदा मान लो तुम हो जेकर थोड़ा कोई चेला या जो थोड़े ग्रुप बच्चे वो कोई किन्नर अगे जा के ड्रामे वगैरह वाले ना नकलों वाले ना काम करना चाहे तो थोड़ी जी कम्यूनिटी है वह इजाजत दी कि नहीं दी? साडी कम्यूनिटी इजाजत नहीं दी जो बहुत विरोध करती है यानी कहने का भाव है जो किन्नर कला है एक कला है कला तो हम देखो हम एक्टर एक्टर नहीं है तो ला लो एक्टर एक्ट्रेस जिदा हूँ कि फिल्म चाहिए जो जेंट्स और लेडीज़ का भी रोल कर दिता लेडीज जेंट्स का भी कर लेंदी कला तो किसी कला क्यों छुपा जिदा कोई बच्चा काम करता कर दो रोटी तो हर एक ने खानी ना जेड़े साढ़े गुरु साई होंगे जे वे होंगे उन्होंने तो घर बैठे सब कुछ मिलना लीड़ा कपड़ा भी मिलना पैसा धेला भी मिलना टूम टाकी भी मिलनी जो हर एक चीज़ बैठे ही मिलनी है जिन्हें कमा के खाना वो तो बहुत मुश्किल की गल है। जिहड़े थोड़ा जिदा तुम एक डेरा चला रहे हो तुम अगे वो प्रमुख हो वे किन्ने किन्नर थोड़े ना जी थी एक कह सकते कमेटी बनी है जो मैंबर जो किन्ने नहीं जी मैं कल्ली रहिंदी हां बिल्कुल ओनली सिंगल मैं कल्ली रहिंदी सुनो मेरी गल मैं कल्ली रहिंदी कल्ली रहण दे बावजूद क्योंकि मैं कोई नशा पत्ता नहीं करदी मेरी कोई इदां दे मेरे कोई हॉबीज नहीं मेरे कोई शौक नहीं मैं गलत शौक नहीं पाले जिन्ना वजह करके बस इन्ना वजह करके मेरी रंजिश है मैं कोई ड्रिंक नहीं करती मैं कोई स्मोकिंग नहीं करती तुम आम देखा होना महंतों सिगरटा पीते हैं ड्रिंक करते हैं पर अदरवाइज नहीं मैं इन्होंने चीज़ों मैं नहीं लैक कर ये तो आम गल देखी दर्शकों ने साथ देखी कि डेरे उत्ते काफ़ी जोड़े महानते वो सिगरटा लैके बैठे आ जा नशा वगैरह करते हैं तो एक थोड़े चलन चलिया पिछे जे कि मुंडे जिदा पहला गल की समार्ट समार्ट मुंडे रखने हैं वो मेन की रीजन है क्योंकि देखो कई घर भी खासकर जो नौजवान होंगे उन्होंने घर में भी लड़ाइया हुई काफ़ी इन्होंने कामों में लैके भी तुम उन्होंने नहीं जाना ये की मेन रीजन है जो जिदा मुंडे इन्ने वधिया वधिया रख के उन्होंने एक कहे बॉडीगार्ड घुमा या फिर एक शोशेबाजी कह सकते हैं नहीं जी शोशेबाजी नहीं उन्होंने आपस में एक प्यार होंगे क्योंकि साडा रूप ही इस तरह का होंगे कि साडा रूप हर एक आकर्षित कर लेंदा जो कि फिर किसी लगाव हो जाता प्यार जिन्हों कह दें सानू जो किसी किन्नर किसी नाल प्यार आता वो मुंडा अपना घर बार छड़ के वो डेरे में रहना शुरू कर दिंदा जो डेरे में रहना शुरू कर दिंदा फिर उन्हें सुख सहूलत मिलनी जिन्हें ए सी के रहना गड्डिया च महंगिया महंगिया गड्डिया घूमना दस दस तोले सौना पाना फिर वो किदां छड़ के सानू चला जाएगा साडे तां साडे समाज की थिंकिंग है ना कि असीं उन्हां नूं किदां रखदे हां ना जदों असीं उन्हां नूं ये सहूलत दे दिंदे हां फिर साडी उन्हां नाल आपसी लड़ाई झगड़ा भी हुंदा फिर जदों लड़ाई झगड़ा होण दे बावजूद भी फिर वो अपना हक मंगते कि असी इन्हों छ नहीं जा सकते फिर साढ़े जोड़े वो मुंडे भी रेंदे होंगे फिर वो भी अपना अपरेड करा के वो भी खुसरे बन जाते हैं फिर वो भी इलाका मल इतने जी मैं थोड़ा सवाल करा भी ये सही है ज गलत है जी एक तो क्योंकि सीनियर हो काफ़ी पढ़े लिखे भी हो तो वो हिसाब से मैं गल करा भी ये सही है ज गलत है कि एक किसी भी जानी जिदा या थोड़ी कम्यूनिटी ये इजाजत दी है कि तुम किसी नौजवान जानी अपने को रख सकते हो नहीं जी इदा का सूँ कोई देखी हुई कोई इजाजत नहीं हैगी बाकी जे किसी के एग्री पर हम तो मैं पहले दस चुकी हाँ पहला नहीं ला हूँ तो सरकार ने ला दिया हम तो सब कुछ शरेआम हो गया पहला 377 से हम 377 ही करता हम हर एक जीण की आजादी देती आजादी होने वाले खुसरे और आजाद हो गए
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਤਾ ਮਾਨਤੂਣੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੂੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਅਦਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪੈਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੱਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਤਾ ਸ਼ੇਤਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਲਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮਹੰਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਕੇ ਪੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਜਾ ਧੰਨਵਾਦ